आप लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का वीडियो मैं अभी शाम से स्टार्ट कर रही हूँ, 5:10 बाकी है और मेरे पैरों में बहुत तेज़ी से दर्द हो रहा है। तो ये देखिए, देखिए ये देखिए, नहीं दिख रहा है, एक मिनट मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने गर्म पट्टी बांध रखी है। तो कल जहाँ मैं पार्टी में गई थी तो मुझे लगता है मैं थोड़ा सा चली हूँ और पैर मेरा थोड़ा सा ऐसे मुड़ गया है। तो ये पैर में मेरे पता नहीं क्या हो गया, ये ये इतनी तेज़ी से मेरे पैर में दर्द हो गया है कि मैं चल नहीं पा रही। और ये देखिए, ये मेरे बाल जो कल मैंने बाल कटाए थे, देखिए है ना। तो अभी मुझे करना है बालों में तेल लगाना है और शाम वाला काम करना है। तो चलिए मैं शाम का काम कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। और पैर में मेरे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा, बहुत तेज़ी से दर्द हो रहा है इस समय, इतनी तेज़ी से दर्द है मैं बता नहीं सकती हूँ। तो चलिए खैर अभी काम करती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। और यहाँ पर मैं सारा काम करने के बाद, जैसे झाड़ू है, बर्तन है, शाम वाला, ये सारा काम करने के बाद आ गई हूँ मैं अपने बालों में तेल लगाने के लिए। क्योंकि सर्दी में ही मैं बालों में अपने तेल डाल पाती हूँ और गर्मियों में तो मैं छुआ भी नहीं पाती हूँ, जिसको बोलते हैं। तो गर्मी में तो जब मुझे मतलब अपना सर धोना होता है ना, तो उसी समय मैं तेल डालती हूँ। बहुत ज़्यादा, 1 या 2 घंटा, इससे ज़्यादा नहीं डाल पाती, गर्मी मुझे बहुत लगती है। तो ये सरसों का तेल है, तो मैं सर में वही डाल रही हूँ, क्योंकि ये तेल तो मुझे सर्दी में सबसे अच्छा लगता है, यानी बेस्टम बेस्ट होता है, तो इसी को मैं डाल रही हूँ। और सर में तेल लगाने के बाद वापस से कंघी करूँगी। तो चलिए, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जो भी कोई हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वो भी बेल आइकन बटन के साथ, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। पर मैंने बालों में अपने मसाज कर लिया तेल का और बना लिए चोटी, क्योंकि तेल लगे बाल हैं तो खुले भी नहीं रख सकती, और इतने बड़े और तेल लगे हुए बालों में मुझे चूड़ा भी नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि रात में सोना होता है और फिर बाल खोल कर सो तो तेल की महक सी आती है, और ऐसे जो होता है बाल बंधे होते हैं तो तेल की महक जो है नहीं उड़ती है, और बाल मतलब वैसे सिमटते टाइप में नहीं है, ऐसा कुछ है। तो चोटी वगैरह मैंने बना ली है और ये आज है एकादशी, तो मैं तो विश करना ही भूल गई, तो हैप्पी एकादशी। तो मैं एकादशी को जा रही हूँ बाहर दीपक जलाने, और छत पर भी जलाऊँगी, तुलसा जी में भी जलाऊँगी और समी के पेड़ में भी जलाऊँगी। तो ये इतने दीपक मैंने बना लिए हैं, मैं तो सोच रही थी कैंडल लगाने के लिए, लेकिन था क्या कि कैंडल मेरी ख़त्म हो चुकी थी, केवल 2 ही 3 थी,
मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मैं दीपक ही बना लेती हूँ। तो सबसे पहले मुझे लगाना है गेट पर। तो यहाँ पर मुझे अपना, मैं गेट खोल रही थी तो साइकिल खड़ी थी, तो मैंने साइकिल को आगे बढ़ाकर गेट को खोल लिया है। और यहाँ पर वीडियो बनाने में मेरी हेल्प कर रहा है मेरा बाबू। और पतिदेव को तो आपने देखा ही कि वो बैठे पेपर पढ़ रहे हैं। तो वीडियो बनाने में मेरी हेल्प मेरे पतिदेव तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। जो बात है वो सही बात है, मेरे पतिदेव बिल्कुल भी नहीं करते हैं। मैं अपने बेटे से ही भले ही थोड़ा बहुत करवा लूँ, वो भी नहीं करता, वो भी बहुत बदमाश है। तो अपना ट्राईपॉड से ही काम चलाती हूँ, लेकिन जब थोड़ा सा इधर उधर का करना होता है ना, तब मैं बाबू से बोल देती हूँ तो वो मेरी हेल्प कर देता है। मैं तो सोच रही थी रंगोली बनाने के लिए, लेकिन हुआ क्या पता नहीं क्यों एकदम से दिमाग से बात उतर गई और मैं रंगोली नहीं बना पाई। नहीं तो छोटा छोटा सा जो है ना गेट के दोनों साइड में रंगोली में बना देती। और पिछले साल तो मैं गांव में थी तो गांव में ही रंगोली बनाया था और वहां पर दीपक वगैरह जला था, तो यहाँ पर तो मैं थी भी नहीं तो मैं रंगोली नहीं बना पाई। तो अपने गेट के दोनों साइड में मैंने दीपक रख दिया है और रेलिंग पर भी अपनी दीपक रख दिया है। और यहाँ मैं तुलसा जी में दीपक लगा रही हूँ। और मेरे बाबू को ये समझ में नहीं आया कि वो वीडियो बना कैसे रहे, तो ये देखिए ये मेरे बाबू ने मेरी वीडियो बनाई है, तो किस तरह से मेरी वीडियो बना दी है। और तुलसा जी में रखने के बाद मैं आ गई हूँ शमी के पेड़ पर, शमी के पेड़ पर दीपक रखने के लिए। और अब यहाँ पर मैं कर रही हूँ खाना बनाने की तैयारी। और मैं इतना रो रही हूँ कि मैं बता नहीं सकती। दरअसल होता क्या है ना कि अगर आप जो है प्याज और लहसुन, प्याज काटो तो उससे आंसू बहुत ज़्यादा आते हैं और ये प्याज तो बहुत ज़्यादा लगती है, तो यानी कि आंसू मेरे थम नहीं रहे थे। कुछ प्याजी इतनी मतलब झा झाक देती है कि एकदम आंखों में बर्दाश्त नहीं होता है। तो मैं उसी को काटे जा रही थी और रोए जा रही थी, रोए जा रही थी कि कुछ पूछिए ना। तो प्याज और लहसुन मैं काट लूँगी और इसका जो है मसाला मुझे रेडी करना है। और आज मैं बनाने जा रही हूँ सिंगाड़े की सब्ज़ी, क्योंकि आज एकादशी है तो गन्ना भी आया था। यार गन्ना तो मैंने दिखाया ही नहीं, सॉरी 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 गाइज, मैं गन्ना दिखाना भूल गई। तो गन्ना मैंने नहीं दिखाया, तो गन्ना आया था और सिंगाड़ा आया था। तो मैंने सोचा कि चलो अभी तो सिंगाड़ा जो उबालने वाले तो है नहीं, तो इनकी सब्ज़ी बनाऊंगी तो सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। तो वही मैं सिंगाड़े की सब्ज़ी बनाने के लिए लहसुन और प्याज काट रही हूँ और खूब रोए जा रही हूँ, खूब रोए जा रही हूँ। ये देखिए कट गया मेरा लहसुन और प्याज। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं मार खाकर आई हूँ या बहुत तेज़ी से मारी गई हूँ, इस तरह से तो मैं रो रही हूँ प्याज काटते समय। आप लोग खुद ही देख लीजिए। और ये है सिंगाड़ा जिसको मैंने छील कर काट लिया है, मतलब लंबी लंबी पीस में, मोटा नहीं किया है। तो यहाँ पर मेरा मसाला तैयार हो गया है, प्याज लहसुन और हरी मिर्च और जीरा। और इसमें मैंने सारे मसाले भी मिक्स कर दिए हैं, हल्दी और लाल मिर्च जो है थोड़ी सी, और धनिया गरम मसाला डालकर जिस समय मैं पेस्ट बना रही थी तो उसी समय मैंने सारे मसाले इसी में मिक्स करके मतलब एक बार चला दिया था। तो यहाँ पर मैं तड़का लगा रही हूँ, कुकर में मैंने डाल दिया तेल और जीरा हींग का तड़का लगा रही हूँ और उसी में अपना पेस्ट जो बनाया था वो मसाला डाल दिया। तो पहले मैं बताऊँ, मुझे जब मैं छोटी थी तो मुझे जीरा का टेस्ट नहीं अच्छा लगता था, है ना। तो जीरा वाला जो भी कुछ आइटम होता था तो मैं उसको नहीं खाती थी। तो मेरी मतलब माता जी जो थी तो दाल वगैरह में भी तड़का लगाती थी, तो जीरे का नहीं, वो प्याज और लहसुन, हाँ लहसुन मिर्च या तो फिर प्याज वगैरह डालकर वो तड़का मारती थी। और यहाँ पर देखिए ये हो गया है, मसाला मेरा एकदम रेडी हो चुका है, भुन चुका है। और इसमें मैं डाल दूँगी सिंगाड़ा और इसका रसा बनाऊँगी रोटी खाने के लिए, क्योंकि चावल थोड़ा रखा हुआ है और दोपहर में मेरी नंद लोग आ गई थी तो रोटियां भी थोड़ी सेकनी पड़ी थी, तो रोटियां भी रखी हुई है। तो इसका मैं उसी हिसाब से रसा बनाऊंगी, थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा, लेकिन ज़्यादा गाढ़ा कर दूंगी तो सब्ज़ी फिर होगी नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ जो है सब्ज़ी लगती है कुछ ज़्यादा, तो ज़्यादा गाढ़ा तो नहीं करूँगी, थोड़ा सा रसा रहेगा। और मैंने इसमें टमाटर नहीं डाला, आप चाहे तो टमाटर डाल सकते हैं, लेकिन हर चीज़ में टमाटर का टेस्ट